एक ये वाली गाड़ी है, ठीक है जी, जीप, और एक है प्राडो, ठीक है जी। अंदर भी तो भाई जान, अभी हमारी कहाँ की रवानगी है? भाई हम लोग जा रहे हैं भाई केपी के, केपी के मरीज से, केपी के, उसके बाद प्रियाटा चेयर लिफ्ट, प्रियाटा चेयर, प्रियाटा चेयर, आपको तो नाम ही नहीं देना आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक, खैरियत होंगे, फिट फाट। तो चलें भाई, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हाँ जी, आप पहले तो अभी का कुछ सीन ये है कि जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उन सबको होगा खुशामदीद जैन ऑफिशियल चैनल के अंदर। और हाँ जी यार, बहुत टायर्ड, बहुत थका हूँ। पहला व्लॉग जो है वो कराची टू रावलपिंडी वाला एडिट भी नहीं किया था। यहाँ पर आए तो दूसरा शुरू कर लिया। मैंने कहा यार, हम लोग रात के वक्त पहुँचे ना, तो रात में अगर जैसा मंजर हो रहा है ना, अभी हम लोग खड़े हुए अपने टेरेस में, तो भाई बालकनी में, सॉरी। तो अभी ये है कि पहले आप लोगों का रूम्स दिखाता हूँ जो आप बुक करवा लिए। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं सुबह स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये हो जाएगी गलत बात है जाहिद भाई, अगर हम लोग ये देख रहे हैं ना तो व्यूवर्स को भी दिखाना चाहिए, ठीक है। अभी ये मैं आप लोगों को, आलम इस तरह हो रहा है कि इतना मजा आ रहा है, और हम लोग यकीन माने कम से कम कोई 25,000 की बुलंदी पर फोटो पहुंचे हुए हम लोग, और हमारा होटल भी बहुत खूबसूरत लग रही है, बेहतरीन बेहतरीन। दूसरा आप तो दिखा सके दिन भाई, तो सामने देखें कुछ जंगल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ये, और ये आप लोगों को मुझे पता है नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मैं खाली इसलिए दिखा रहा हूँ, जब सुबह उठ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, मैं खुद नहीं दिखाऊंगा, मैं वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करके इमोशनल डैमेज। तो जैसे ही जब मैं सुबह उठूंगा ना, तो भाई मैं आप लोगों के साथ ये मंजर सुबह का देखने आऊँगा, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कहा यार खुद नहीं, और इस वक्त इतनी कोई थकन नहीं भी, हम लोगों ने तकरीबन 43 या 46 आवर्स का, जो हम लोगों ने 44 आवर्स का हम लोगों ने सफ़र किया है कराची टू रावलपिंडी, रावलपिंडी टू मरी। अब स्टे करने जा रहे हैं भाई, अब जो है होटल सब कुछ बुक करा रही है। अब ये है कि आप लोगों को रूम दिखाते हैं आ जाए जाहिद भाई, और वहीं से फिर आराम भी कर लेंगे। तो भाई बाकी तो फैमिली का छोड़ देते हैं, बाकी फैमिली होंगी उधर, ठीक है। खाली जो हम कज़न है ये है, अभी थोड़ा ऐसे ही है सामान। तो भजन ये यहाँ पर अभी एडजस्टमेंट करेंगे कि कौन कौन सो रहा है इधर, बाकी फैमिली वाले तो सब उधर ही हैं। बाकी ये है वो वाला जो रूम है वो इससे बड़ा है, और वो भी अच्छा खूबसूरत है, लेकिन उसमें सारी मामे खाला सब हैं उसमें, उस वाले अंदर उधर दूसरी मतलब प्रॉपर फैमिली बैठी। तो अभी ये है कि यहाँ पर मैंने व्लॉग तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो बाकी का व्लॉग है ना वो मैं कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के साथ जब सुबह फ्रेश हो जाऊँगा ना तब। तो मैंने कहा पहले बता दूँ, ठीक हो गया जी, तो वो सारे मंजर मैं सुबह दिखाऊँगा, और पप्पा मुझे पीछे से बता रहे क्या क्या बोलना, देख रहे हो। तो अभी ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाकी ये हम सुबह ही जो है करते हैं फिर व्लॉग स्टार्ट, और आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी अच्छा फन दे पाऊँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, इतनी थकन हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा इस वक्त। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने जो है रात को, मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था कि सुबह की जो है, अभी मेरे सामने मैं एंटर भी नहीं हुआ, मौका था लेकिन मैं एंटर नहीं, मैंने कहा आप लोगों के साथ ही दाखिल होऊंगा और मंजर चेक कराऊंगा। तो भाई पहले तो रात को मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था कि रात का मंजर दिखाऊंगा और फिर सुबह का दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी जो है जाहिर सी बात है पता चले अल्लाह की शान और कुदरत जो है यहाँ। तो ये है कि अभी आप लोगों के साथ ही इंटर होता हूँ मैं यहाँ पर, तो फटाफट ये देखो भाई एक मिनट, 1 2 3 सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, ये वही सारी जगह है जो हमने रात को देखी थी, और ये मैंने रात को एंटर लिया था तो लाइटिंग नज़र आ रही थी, तो ये सब वही जगह है। और भाई वो रहे स्नो वाले पहाड़, वहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी, तो बाकी सर्दी, और वो तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी धूप निकली भी है, लेकिन ये है कि सर्दी का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है भाई, फुल मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो फ़िलहाल पहला ही दिन है, नाक वाक सब कुछ जमे हुए, ग्लव्स इसलिए नहीं पहने, हाथ देख सकते हैं झुर्रियाँ सी आई हुई हाथों पर, फिर अगर ग्लव्स पहन लूँगा तो फिर मोबाइल नहीं चलाया जाएगा, और ब्लॉगिंग के लिए भी फिर बहुत मसला होगा। बाकी आप देख ही सकते हैं ये,
मेरे लिए कमेंट नहीं तो अल्लाह की कुदरत के लिए माशाल्लाह सुबहानअल्लाह ज़रूर लिखिए। बाकी अभी ये है कि नाश्ता करने जाते हैं। खूबसूरती ये तो सिर्फ एक विंडो का नज़ारा है, बाकी अगर हम लोग गए कश्मीर तक आगे तक अगर जाना हुआ तो आप लोगों को ज़रूर बताएँ, मतलब ज़रूर बताएँगे, क्या बताएँगे भी, दिखाएँगे भी। तो अभी ये गला भी थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि सफ़र काफ़ी दिन था, थकन भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेहतर है, आराम किया, सब सो गए थे हम लोग। तकरीबन जो है चेक इन हुए थे हम लोग होटल के अंदर तकरीबन कोई मतलब हो के भी हम लोग सो गए थे तकरीबन 10:30-11:30, लेकिन आपका भाई आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट कर रहा था, थंबनेल बना रहा था, मैं 1:30 बजे सोया हूँ भाई, लिटरली 1:30 के अंदर ना थोड़ा सा 19:20 हो जाता है मेरा, 2:30 बजे मैं सोया हूँ, 2:30 पे। तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी इतना तो बनता ही है, ऊपर लोग बुला रहे हैं नाश्ते पे जाने तो फिर वहीं चलते हैं। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था, नाश्ते के दौरान वीडियो बना ही नहीं सका, माइंड में नहीं आया, सब बैठे हुए थे डाइनिंग पे एक साथ, इसलिए बना ही नहीं सका और माइंड में आई भी नहीं। बाद में मैंने क्लिप्स जो है आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्लिप्स लिए थे। तो अभी ये है कि भाई अपा लोगों ने जो है ना मतलब क्या कह सकते हैं यार, रेफरेंस कह लो या मतलब कुछ भी कह लो, मतलब बुकिंग जो थी वो सारी A to Z कर ली है, कश्मीर वश्मीर जहाँ की भी है सब कुछ। अभी मरी से जो है हमने मरी खाली इधर का इन्वायरमेंट चेक करना था, बर्फ़बारी यहाँ नहीं है। तो अभी जो है आगे पप्पा लोगों को पता है गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बुक हो गई हैं, ठीक है जी, और कराए भी बड़ी रशके वाली गाड़ियाँ हैं। बाकी अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, पप्पा ने सब कुछ करवा लिया, बाकी जाएंगे दिखाएंगे मज़ा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप भी इंजॉय कर रहे हैं तो थम्स अप कर दिएगा, लाइक कर देंगे, शेयर तो कर ही दिएगा। चेकआउट भी कर लिया है, सामान भी रख दिए हैं, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ये वाली गाड़ी है, ठीक है जी, जीप, और एक है प्राडो, ठीक है जी। अंदर भी अंदर इधर फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, उसमें थोड़ा सा सामान है, उधर चंद फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। तो ये वीडियो बना रहा था मैं सिनेमैटिक मूड से, अब और ये भी बताइएगा कि सिनेमैटिक मूड से वीडियो कैसी बन रही है और कैसा लग रहा है, ठीक है जी। तो अभी कुछ ये सीन है कि पप्पा कर रहे हैं डीलिंग, ठीक है जी, पैकेज पूरा बुक करवा लिया, कौन सा हमारे जो है होटल होने जा रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं, क्या नहीं होने जा रहा है। जाहिद भाई साथ से जाहिद भाई से पूछवा, तो जाहिद भाई क्या सीन है फिर, क्या पैकेज बुक किया है, क्या हुआ है? 4 दिन का ट्रिप लिया है, सही, अभी कश्मीर केपी के और काफी जगह घूमना हम लोगों ने, सही, पूरा टोटल पैकेज करवा लिया, टोटल पैकेज करवाया है। वो रही गाड़ी, ये एक गाड़ी, ये रही एक गाड़ी, ये चलो डन हो गया। तो अभी ये जो हमें घुमाएंगे, ठीक है, तो ये यासिर भाई है, तो भाई ये हमारे टूरिस्ट है, इन्होंने हमें पैकेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पैकेज दिया। तो अभी ये तो कौन कौन सी जगह होने वाली है यासिर भाई, वो आगे बताएंगे। चलिए यासिर भाई भी हमारे साथ ब्लॉग में होंगे, ठीक हो गया, चलिए तो चलिए स्टार्ट करें फिर, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी जो है दोनों गाड़ियों के अंदर जो है डल रहा है, डीजल डल रहा है दोनों गाड़ियों के अंदर। तो अभी डीजल डलवाने के बाद जो है रवाना होते हैं, एक गाड़ी में पप्पा, एक गाड़ी के अंदर जो है जाहिद भाई और मैं। बाकी अब चेक करें डीजल वीजल डल जाए फिर आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं, फिर चेक करके बताइएगा कैसा लगा। तो भाई जान अभी हमारी कहाँ की रवानगी है? हम लोग जा रहे हैं केपी के, मरी से केपी के, उसके बाद प्रियाटा चेयर लिफ्ट, प्रियाटा चेयर, प्रियाटा चेयर, आपको तो नाम ही नहीं देना आएगा। अच्छा जी, चले वही क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है, और वहाँ पे जब पढ़ेंगे आपको तो शायद पढ़ने में आसान। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी ये है कि आप लोग जो है सिनेमैटिक एंजॉय करें फिर। पॉइंट पर रुके, ठीक है जी, पॉइंट पर क्या है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये देखिए।
गाड़ी से इसलिए नहीं उतर रहा, मैं गाड़ी से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यार ये होता है बहुत ज्यादा शरारती होते हैं थोड़े से। लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने ना भुट्टा लिया था, तो ना इन्होंने क्या किया था कि वो ना मेरे हाथ से अचानक ही छीन के ले गए। मैंने कहा भाई ये होते हैं बहुत शरारती किस्म के, अंदर ही बैठ के वीडियो बनाते हैं ऐसा ना, अगर मोबाइल लेगा ना तो सारा जंगल ठीक है। ये सारे मंकीज बैठे हुए ठीक है, फैमिली सब बाहर चले गई है लेकिन ये सारे मंकीज बैठे हुए हैं भाई। मैंने कहा अगर मैं बाहर गया ना मोबाइल वोबाइल का मजाक नहीं करना, और उनके छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए, वो देखो एक बच्चा बैठा हुआ है, किसी ने भुट्टा दिया वो खा रहा है भाई फुल। मतलब ना इतने शरारती होते, इतने शरीफ से मासूम लेकिन ना इनकी मासूमियत पर नहीं जाना। ये देखो जुए निकाल रही है। भाई फाइनली थक हार के टूट जाने वाले सफ़र के बाद जो है हम एक मतलब जन्नत में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो यहाँ पर जो है ना, मैं वही बात है भाई, चैनल फादा ही निकलते हैं सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। बस मैं दिखाता हूँ अब आप लोगों को भाई ये दरियाए नीलम, अभी जाते हैं दिखाते हैं आप लोगों को, अभी चलते हैं फिर उधर। थकान इतनी हो गई थी क्योंकि बहुत से हम सफ़र कर रहे हैं, हम मरीज है जो है खैबर पख्तूनख्वा के, खैबर पख्तूनख्वा से हम पता नहीं एक दो बीच में और जगह आई वहाँ के, वहाँ से अभी जो है ये सामने आप देख रहे हैं बॉर्डर जो है ये लिखा हुआ है वेलकम टू आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर। भाई इस तरफ खैबर पख्तूनख्वा है और नीचे ये जो है इस तरफ खैबर पख्तूनख्वा है और वो आज़ाद कश्मीर है। और अगर हम इसी से थोड़ा सा आगे जाते हैं, अभी देखते हैं उस पॉइंट की अपन ने बात की है कि नहीं, अगर हम उस पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह से ये होगा कि ये दरिया नीलम तो चल रही होगी, यहाँ पाकिस्तान होगा और वहाँ इंडिया होगा। सुभान अल्लाह, मतलब सिर्फ जो बॉर्डर होगा ना उसका, मतलब वैसे तो बॉर्डर होगा लेकिन जो उसका मेन बॉर्डर होगा ना वो ये दरिया नीलम होगी। तो भाई बहुत एक्सट्रीमली लेवल पर जो है ना बहुत मज़ा आ रहा है अभी ये कि, और मेरे मोबाइल के ना 15% चार्जिंग हुई, पहाड़ों पर चार्जिंग जो है वो पानी की तरह बह रही है। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज़अप दरियाए नीलम का, ये देखें भाई। हम जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तो हम समझ रहे थे बस ये हल्का सा ही पानी है, लेकिन भाई यहाँ पर 2-3 एक्सीडेंट हुए ना तब से एहतियात, पहले तो हम भाई पत्थरों के ऊपर बैठे हुए थे। अगर आप लोगों ने पिछले साल वाले ब्लॉग देखे, हम यहाँ पर होकर गए तो हम पत्थरों पर बैठे हुए थे लिटरली, लेकिन भाई ये बहुत ख़तरनाक जगह। और वो खड़ी हुई गाड़ियाँ हमारी, वो खड़ी हुई गाड़ी, और अभी हम वहाँ से नीचे आए तो भाई ये है दरियाए नीलम। और मुझे बस एक ही चीज़ की टेंशन है कि मेरे मोबाइल के अंदर जो है ना 8-9% चार्जिंग है, तो आगे अगर जहाँ हम कहीं जाएंगे वो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। मोबाइल अमूमन सबके ही डेड है, यहाँ पर तो भाई पानी की तरह जो है बैटरियाँ बह रही हैं, गिर नहीं रही बह रही हैं भाई। हो सकता है कोई वो मतलब हम बहुत ज़्यादा हाई ऊँचाई पर होते हैं, कोई रेडिएशन की वजह से या कोई ना कोई तो इशू है, बाकी भाई भी एक बता रहे थे। भाई ये आप देख रहे हैं दरियाए नीलम, और भाई यहीं पर ही मैं जो है माशाल्लाह अल्लाह का जो है शुक्र अदा करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें भी बनाई और हमें दिखाई, दोनों चीज़ों का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरी बात यह कि यहीं पर ही मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगा क्योंकि चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं। तो होप आप लोगों ने पहला व्लॉग और दूसरा व्लॉग दोनों इन्जॉय किए होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए अगर इन्जॉय किए हों। तो यहीं पर इधर मुझे इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।